हे भगवान मो मिठू सांगे कहीं एमती कल से जो कन्या को प्रथम थर पसंद कला से झील हाथ में ताकू बेजित कर निज भक्त एमती कहीं कल प्रभु मु ए गीता छुई शपथ करू जहाँ कह भी सत कह सत छड़ा मिछ कह कह मुझ कहे भगवान मु तुम पर बहुत रागिची मु आरब को बहुत भल पाए हेले आम मिठुर सुंदरी मिठू को मिलवा दरकार नत कौ भगवान पूजा छाड़देवी तुम उपर मोर विश्वास तुटिज आम दर्शन करिया को मुझे भी मंदिर जीवन हे भगवान मु सत कौच चीरदिन मु नास्तिक पाल्ट मूर्ति कहाँ फोन आसी छी तुम मां का फोन मु कथा हे जाउ छी हेलो कौन है सु मु जदी दामिनी मैम को स कथा हे जाइथिले कौन हे जेतन से तो जानि चंती ना आमे दिलीप को धरिया को इठी आसी छे बोली हाँ हाँ से जानी एक्चुअली मॉम को सहित मोर किसी जरूरी कथा बार्ता एकुटिया मु फोन टा काटिदे ए रूम रो अवस्था टिके ठीक कर देबा गुरु तो केवे काई एमिति हेनी तते टिके चाहिबाकु अटके मु रहिनी हेलो
छतुआ प्रभु मत क्षमा कर दि प्रभु मत क्षमा कर दि आम क्षमा कर दि छतुआ उत्तर दौन तुम तुम खाली बुझ गाँवरु आसिला परठु आज प्रथम थर छतुआ भाई निज रूपरे अछि असल मुहटे मुझे शीघ्र देखी थी जदि तू के कहू ताले मोटू खराब कहीं हे तुम कौन कह अच्छा या मानु को जहां आसो सी सब कह समस्त को मजा उड़ेब से ठीक मुझे कह मोर सब भूल सेमती नुह पीसी नानी सब कथा को बढ़ेबा ठीक नुह खबर नहीं कौड़ी हो जाइ जो मैं
एठिके आसीबार खाली रमी जानिछि उर्वियुक्त तो कहि पारि नथांति आ माँ को कहबार साहस भी नहीं से तो जानिले बहुत ही रागी जिबे ताले बड़मा को कहि दियो मु भी सया भावुची मना करछि मते डमरु डाकी बोल मला आजा ताल तते कोन डाकी हां तोर कोन नुआ ना रखबी डमरु तमको भारी हस मारछि ना ओके ओके आ हसबी बड़मा सुन मत ना तुम किसी कहार अच्छे मुना कि कम पूरी रंजन सर को साथी पूरी तो पागल तो मत भी चोबे दब बड़मा से कमी जानवे मुझे तमें माँ को कहबनी नाई डमरू तू यू कहना मुझे जी देवी प्लीज बड़मा मना करनी प्लीज एक्चुअली मोर बहुत जरूरी काम अच्छे से मुझे जदि ये काम मुदे ना रंजन सर बहुत खुशी जी आ मत साबासी देवे आड़मा मुझे रंजन सर के साथ रही ना प्लीज बड़मा प्लीज मना करनी हाँ कहीदे प्लीज प्लीज अच्छा ठीक अच्छे जे हेले तमर तो फेरबु केबे पहर दिन आफ्टरनून रे फेरि आसीबे हाउ ठीक अच्छे सुनो तो निजर ख्याल टिके रखतिबु हां आई लव यू बड़मा थैंक यू सो मच ताल तमो टेंशन खत्म ताहले कौन खाइबो डमरू खबरदार ए ना रे मते खाली मो बड़ माडा कर ओके हि बिनु ओके हां हां डाकि बिनु ये तो सबू
ଗୋବର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଆଉ ତମେ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଗୁହାଳ କରିବାକୁ ବସିଛ। ତମେ ସବୁ ହଉଛ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ରହୁଥିବା କୀଟ। ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଗନ୍ଧିଆ କରିଦେବ। ଏ ଦାମିନୀ संभाली कथबार्ता कर कहूँ बरु मो स्वामी को तो धन्यवाद दे गोबर ने सी तो घर को पवित्र कर दे हेले तो भीतर गंध केमी सफा से हूँ मोर चिंता माँ व्यस्त हूँ तो मु सफा कर ଏସବୁ ଯିଏ ଗନ୍ଧିଆ କରିଛି ସେ ହିଁ ଯାଇକି ଏସବୁ ସଫା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛତୁ ଏସବୁ ସଫା କରିବେ। ହଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କହର କେତେ ଦମ ଅଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସଫା କରିବାକୁ କହିବ। କହୁ କହୁ ତାକୁ କିଏ କେମିତି ଆଉ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଦାମିନୀ ଚିଲାଓନି, ଏ ଦାମିନୀ ଦାସ ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ସଫା ନ କରିବ। କେସେ ନାନୀ ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯା, ଦୟାକରି କି ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ଏମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବା କହୁଛୁ, ୟା ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଯାହା କହିଲି ସେୟା। ଯିଏ ମଇଳା କରିଛି ସେ ହିଁ ସଫା କରିବ। ଖୁଡ଼ି ତମେ ରାଗନି, ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ମୁଁ ସଫାସଫି କରିଦେଉଛି। ନାଇଁ ମିଠୁ, ତୁ ବି ଏ ଘରର ପୁଅ, ତୁ କାହିଁକି ଚାକର ବାକର କାମ କରିବୁ। ବରୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ନାଇଁ ପିସି ନାନୀ, ତମେ କାହିଁକି ସଫା କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାହା ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ତ ଆମ ଘରକୁ ସଫା କରିବି। ଦୟାକରିକି ତମେ ଏ ଝଗଡ଼ାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅନି। ମିଟୁ କହିଲି ନା, ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ସେ ହିଁ ସଫା କରିବ।